स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स, मैथ मैजिक फर्स्ट स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर्स फ्रॉम 21 to 50, चैप्टर नंबर 8, उसमें पेज नंबर 104 एंड 105 हो गया था और दोनों पेज आपको होमवर्क में दिया था। नाउ सेकेंड पेज नंबर 106, नंबर्स फ्रॉम 21 to 40। नाउ वी आर लर्न अबाउट हाउ टू डू 10 to 10s, 110, 210s टू 1s। सो हम स्टार्ट करते हैं। हियर देर इज अ 2 10s, मीन्स 110s, 210s, सो 20 एंड 1 1, ओनली 1 मिस्टेक है। तो कितना होगा, 2020 प्लस 1 करेंगे तो 2121। नाउ 2 10s एंड 2 1s, सो 20 प्लस 2, सो 22 22। 2 10s प्लस, नाउ वी हैव हियर नंबर ओनली 2323 है सिर्फ, तो हमें देखना है कि कैसे होगा। अगर यहाँ पे 2 10s है तो हम यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, तो 23 होगा। तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हम 3 मैच स्टिक्स ड्रो करेंगे, तो हो गया 2020 प्लस 1 2 3 23। अब यहाँ पे हमें देखना है 2 10s है तो 2 4, 1s है तो 2 4 24, 2 10s 5 1s तो 2 5 25, देन 2 10s 6 1s। यहाँ पे ड्रो नहीं किया है तो हमें ड्रो करके बताना है ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 2 6 26। नाउ 2 10s एंड 7 1s, सो वी हैव टू ड्रॉ अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 2 7 27। 2 10s एंड 8 1s, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है लेकिन ड्रॉ नहीं किया है तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 2 8 28। 2 10s 9 1, सो 2 9 29, एंड 2 10s एंड 1 10, यहाँ पे 10 प्लस 10 20 प्लस 1 10, यानी पूरा ये जो बंडल आपको दिख रहा है वो किसका है, 10 का। सो 20 प्लस 10 करेंगे तो आंसर 3030। वैसे यहाँ पे आपको होमवर्क करना है, ओनली 1 साइड, यहाँ पे मैंने आपको 3030 तक बता दिया है, वैसे ही आप यहाँ पे देख कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको सिर्फ बंडल बनाते जाना है और आंसर लिखते जाना है। तो पेज नंबर 106 में जो सेकेंड कॉलम है ये आपको होमवर्क में है। नंबर्स फ्रॉम 41 to 50, तो 4 10s है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बंडल्स हैं, 4, वो कितने के हैं, 10 10 के, तो वह 10 10 20 30 40, और यहाँ पे कितनी मैचस्टिक है, 1, सो 4 1 41। यहाँ पे वह 2 3 4, तो 4 10s है, यानी 10 10 के 4 बंडल है। अभी यहाँ पे 2 1s है तो हम 2 ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 2 42। यहाँ पे 4 10s है, 1 2 3 4, सो 40 प्लस 1 2 3 तो 3, तो आंसर क्या होगा, 4 3 43। वैसे ही आपको फिर से ये पेज कंप्लीट करना है, ये 107 होमवर्क है। मिसिंग नंबर, राइट द मिसिंग नंबर्स, ये भी एकदम इजी है। सो किड्स, पेज नंबर 108, राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स मतलब यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए हैं। तो आपने सीनियर केजी में 1 to 100 तक तो आपको नंबर्स आते ही होंगे, और आपने मिसिंग नंबर भी लिखे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग भी किया है, फॉरवर्ड काउंटिंग भी किया है, आफ्टर बिफोर, हमने मोस्ट ऑफ सब कुछ किया हुआ है।
लेकिन आज ये जो पेज है 108 ये मैं आपको यहाँ पे अभी वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगी, वैसे ही आपको घर पे देख देख के कंप्लीट करना है। सो व्हाट इज़ दिस वन, आप सबको तो पता ही होगा कि ये वन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन ज़ीरो टेन, 1 0 10। अब यहाँ पे क्या है 1 1 11। सो व्हाट कम्स आफ्टर 1 1 11, सो 1 2 12। 1 1 11 के बाद क्या आता है 1 2 12। अब 1 3 13, 1 3 13, तो 1 3 13 के आफ्टर यानी उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा 1 4 14, उसके बाद क्या आएगा 1 5 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, then after 1 7 17, the next is 1 8 18, 1 9 19, then what comes after 1 9 19, तो 2 0 20। 2 2 22 का बिफोर नंबर हमें देखने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 0 20 है, तो 2 0 20 के बाद हम क्या लिखेंगे 2 1 21, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30, next 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37। यहाँ पे 3 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 8 के बाद हम क्या लिखेंगे 3 9 39 एंड 4 0 40। यहाँ पे 4 0 40 के नेक्स्ट आफ्टर क्या आएगा 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43 ऑलरेडी दिया हुआ है, सो 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 0 50। सो किड्स, हमने यहाँ पे जो भी मिसिंग नंबर थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। मैं आपको फिर से एक बार रीड करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50। सो किड्स, ये मैंने आपको फिलअप करवाया है, वैसे आपको देख के करना है। आज का आपका होमवर्क क्या है,
106 पे जो ये नेक्स्ट वाला है सेकंड वाली कॉलम वो है, और 107 पूरा पेज होमवर्क है, ये मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।